सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ टेबल पे। सो हमें पहले तो चाहिए एक स्क्वायर शीट। सो स्क्वायर शीट में हमें क्या करना है, हमें एक क्रॉस बनाना है। अब हमें क्या करना है, ये क्रॉस तो बन चुका है, अब हमें इसको इसके बीच वाले पार्ट तक ऐसे फोल्ड कर देना है। सो जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी बाउंड्री। इसको आप जितना नीट कर सकते हो उतना नीट कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा बनाने के लिए। सो अब यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को इस लाइन तक हमें इसे दोबारा करना है। फिर यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी, ऐसे सेम आपको दूसरी साइड करना है। यहाँ से उसे ऐसे करना है। ओके, अब यहाँ से दोबारा से ऐसे करना है। सो गाइस देखो, अब इसको उठा के बीच वाली लाइन तक इसे हमें फोल्ड कर देना, जितना भी आपका ये बीच वाली लाइन तक बैठे। ये क्या कर रहे हो? अरे इसे मोड़ के करना, दिमाग नहीं है, थोड़ा सा ऐसे मोड़ के करना है, ऐसे इसको अंदर ही रखना है उसको, और फिर से यहाँ से ऐसी दूसरी साइड पे कर दो। सेम ऐसे उस साइड से, ये लाइन आ जाएगी। जितना भी आपको अच्छा है, अब उसके बाद इसे फुल कर दो। हाँ, अब इसे क्या करना है, इसे हमें बेसिकली यहाँ पे जो ट्राइंगल बचता था और जो बाहर के एक्स्ट्रा पार्ट्स थे इन्हें अंदर को कर देना है हमें। एक बार क्लिपाफा टाइप बन गया। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे हमें वापस खोल लेना है। और क्या करना था? अब इसको रुको, नो अभी इसके बराबर जो लाइन है वो इसके यहाँ तक ऐसे कर देना। जिस साइड से आप उसे कर रहे हैं उसे उसकी दूसरी साइड से भी यही सेम चीज करना है। अब क्या करना है, जैसे आपके पास ये है। A few moments later. So guys, ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें एक बार यहाँ से फोल्ड मारना है। फिर इससे इसके जो ये जो लास्ट बैठा है ना, इस तक इसको एक बार और ऐसे करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लाइन चलेंगी, एक दो तीन, तीन लाइन चलेंगी। तो हम सेम ऐसा यहाँ पे करना है, फिर ओपन कर देना है। अब आपको देखना है यहाँ पर क्या तो देखो, गैस पीछे करोगे तो पीछे तीन लाइन चलेंगी, 1 2 3। उन तीन लाइन से क्या होगा, आपकी जो बनाने की वो है वो इजी हो जाएगी थोड़ी देर। सब जो साइड के वो है उन्हें उसे फोल्ड कर देना बीच वाली लाइन तक ऐसे। सेम दूसरी साइड, क्या करना है, ये जो इसे ना इसे हमें खोल लेना है, सॉरी इसे एक बार फोल्ड करना है थोड़ा सा, इसे फोल्ड करना है फिर दोबारा खोलना। अब इसे ऐसे खोलना है। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये एक लाइन आ जाएगी, ये थर्ड वाली लाइन,
इसके ऊपर ये जो कोने है यहाँ पे ऐसे ये है आपका मुश्किल पार्ट। मुश्किल नहीं है, ट्रिक की है थोड़ा सा बस। ये यहाँ पे जो है ये कोने इसके ऊपर ऐसे साइड से दबाना है ऐसे। ये तीसरी लाइन की उंगलियां से दबाओ पहले, तीसरी लाइन से ऐसे ऐसे। ये देखो अंदर कुछ ट्रायंगल टाइप बन जाएंगे, उनके ऊपर आपको इसको ऐसे कर देना है। सो एक साइड का तो हमारा बन चुका है, ऐसे इससे हम दूसरी साइड करना है। इधर से थोड़ा सा बैंड किया, एक सेकेंड, इसे यहाँ से बैंड किया, ये ऐसे हुआ और ये हमें मिल चुका है बॉक्स, अच्छा वाला बॉक्स। बस थोड़ा सा इधर को जगह रह गई मेरे में, पता नहीं क्यों ऐसे रह नहीं चाहिए मेरा, थोड़ा सा आगे रह गया, बस आगे है मेरा थोड़ा सा, बस अब ठीक है। सो इसको अरे अब भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बॉक्स तो बन गया हमारा, दिखा। अरे मैं कर लूँगी गाइस, हमारे बीच कंपटीशन था वीडियो से पहले कि हम कौन इसको मतलब अच्छा बनाएगा। ये अरे देखो ये बन गया, इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं, छोटा बना है लेकिन हमने एक और बॉक्स बनाया है, हम आपको दिखा देते हैं। और बॉक्स भी है हमारे पास, ये देख लो ये मेरा बॉक्स है, इसमें आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, पेंसिल इरेजर जो भी आपको रखनी है। तो ये मैंने डेकोरेट करा है एंड ये है भाई का। सो गाइस ये है मेरा बॉक्स और ये छवि, ये भी मेरे, तो अब से ये मेरा हुआ ओके एंड तो ये किसका है? ये मेरा, कल बिल्कुल गंदे हैं ये दोनों ने बनाया। 2000 years later गाइस, ये छवि का पता नहीं क्या जो छोटा है, कोई बात नहीं इसको हम ऐसे फिर, हाँ जो दूसरा बॉक्स बनाओगे ना वो थोड़ा सा छोटा बना सकते हो या फिर उससे बड़ा बना सकते हो, उससे बड़ा जो बनेगा नहीं छोटा बनेगा उससे। ये देखो आप कुछ भी रख सकते हो इसमें, कुछ भी रख सकते हो, मैंने शार्पनर ये जो है सीजर और इरेजर रख रखे हैं, इसपे पीछे कुछ प्लास्टिक के वो हैं, इसमें मैंने अपने ग्लिटर रख रखे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे बंद करने में, इसकी वीडियो भी जल्द आएगी। हाँ तो देखो गाइस इसमें गैप बच गया यहाँ पर साइड में, सो उसकी वजह से ये पिचक भी जाता है थोड़ा सा ऐसे। सो गाइस अगर आपको हमारी कलेक्शन देखनी है पूरी क्राफ्ट की, हमने क्या क्या बनाया है, सो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको कलेक्शन देखना है तो आपको क्या करना है आपको तो पता ही है, कमेंट करना है और स्पैन कर देना आप अगर चाहो तो। ठीक है गाइस, सो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।